कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। जो लोग सालों साल बैठे रहे, जिन्होंने कुछ भी किया, उनको आपने सजाना है या उनको आपने अधिकार देना है? जो आपकी हितों की लड़ाई लड़ते हैं उनको आपने अधिकार देना है, ये आपके पास। हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा, क्या ये कांग्रेस की कर पाते? तो फिर इनको क्यों चुनना है? 5 साल में कमर तोड़ नहीं, हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। ये पहाड़ की लड़ाई जिसके लिए नेताओं ने जमकर दहाड़ लगाई। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल दलदल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दलदल। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर दिखा, गली गली में सियासी शोर दिखा। बीजेपी के दिग्गजों ने मैदान संभाला, निशाने पर परिवारवाद था, कांग्रेस थी तो वहीं वादों का पिटारा भी था। आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की और सरकार बनाने का दम भरा। पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है, कांग्रेस के पास कौन है? अरे विपिन भाई आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी माँ बेटा है, यहां भी माँ बेटा है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। एक नेता बिना कागज देखे 25 स्कीमें आपके हित की बताता है, 50 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसी बात करता है। कभी आपने कांग्रेसियों से सुना ऐसी बात करते हुए? कांग्रेस की ओर से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली, डोर टू डोर कैंपेन किया तो वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने खुद को हिमाचल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरी दादी जी ने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा, उस रिश्ते को आज मैं निभा रही हूं। क्या रिश्ता था? प्रेम का रिश्ता था, सेवा समर्पण का रिश्ता था। आपका इतना सुंदर प्रदेश है, मैं भी एक तरह से यहीं की निवासी हूं, और पेंशन मिले ना मिले रिटायर तो मैं यहीं होऊंगी। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था, 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नियत ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अलका लांबा समेत तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पहली बड़ी परीक्षा है। वहीं इस बार अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हिमाचल में 12 दिसंबर को मतदान है, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 68 सीटों में ये मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। किसी के लिए किला बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए अपनी खोई विरासत को पाने की, वहीं कई पहाड़ पर पैर जमाने की कोशिशों में लगे हैं। अब दांव पेच का वक्त बीत गया है, अब जनता को तय करना है कि वो हिमाचल का ताज किसके सिर पर काबिज करती है। आज तक ब्यूरो।